नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। जी हाँ, पांच बड़ी खबरों के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। बता दें आपको कि एशिया कप की शुरुआत हो चुकी है और शानदार मुकाबला हुआ श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार है जिस महामुकाबले का, वो होने वाला है 19 सितंबर को, यानी कि अब से दो दिन बाद। और दो दिन बाद एक ऐसा मुकाबला है जहाँ पर विश्व क्रिकेट इसे देखने के लिए आतुर है या बेताब है। एक साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, दो चिर प्रतिद्वंदी, दो कट्टर दुश्मन क्रिकेट के मामले में और खतरनाक टीमें। पाकिस्तान की टीम पिछली बार भारत को हरा चुकी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, वहीं भारत बदला लेने के लिए बेताब है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कई सारी बयानबाजी की है, वो भी हम आपको बताएंगे, और क्या पिच की कंडीशन होने वाली है दुबई में, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की ओर। आज आप खुद ही देख लीजिए क्या है टॉप फाइव स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। एशिया कप 2018 की शुरुआत आज से होने जा रही है, जिसमें पहला मैच श्रीलंका बनाम बांग्लादेश होगा। बता दें आपको कि पहले मैच से ठीक पहले सभी छह कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि 19 सितंबर के मुकाबले का हर कोई इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि मुकाबले से पहले रोहित शर्मा और सरफराज अहमद एक साथ बैठे और साथ ही दोनों कप्तानों ने भारत और पाकिस्तान की टीमों के लिए काफ़ी सारी बातें की। रोहित ने कहा कि हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है, हम पूरी माइंडसेट से आए हैं, विश्व कप को हम नहीं देख रहे हैं लेकिन हम एशिया कप को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और एशिया कप पे हमारा मोटो सिर्फ और सिर्फ जीत होगा। वहीं पाकिस्तानी कप्तान ने भी कहा कि टीम इंडिया बहुत अच्छी टीम है लेकिन उनके खिलाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो कोशिश करेंगे कि एशिया कप में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। ऐसे में दोनों ही कप्तानों ने अपनी अपनी टीम को तो बता दिया कि वो सबसे बेस्ट है, लेकिन कौन सी टीम बेस्ट होगी ये तो 19 सितंबर को ही पता चलेगा। वैसे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम इस बार ज्यादा प्रबल दावेदार मानी जा रही है क्योंकि टीम ज्यादा स्ट्रांग भी है। विराट कोहली के बिना भारतीय टीम थोड़ी कमजोर हुई है, लेकिन पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का मानना है कि रोहित शर्मा की अगुवाई में मौजूदा चैंपियन भारत सातवीं बार एशिया कप का खिताब जीत सकता है। कोहली को छह देशों के वनडे टूर्नामेंट से विश्राम दिया गया है। शनिवार से शुरू होने वाले एशिया कप में मनीष पांडे, केदार जाधव और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। गांगुली ने कहा कि भारत भले ही इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया लेकिन सीमित ओवरों में वो चोटी की टीम है। विराट के होने से टीम बहुत मजबूत होती है लेकिन रोहित का भी कप्तान के रूप में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि टीम उनकी लीडरशिप में बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी। गांगुली ने यह भी कहा कि टीम इंडिया एशिया कप जीतने में सक्षम है, भारत इस टूर्नामेंट में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से तीन बार भिड़ सकता है। एशिया कप के पहले मैच में आज यानी शनिवार को श्रीलंका का सामना बांग्लादेश से होगा। पाकिस्तान का यूएई में शानदार रिकॉर्ड रहा है लेकिन गांगुली का मानना है कि इससे भारत पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। गांगुली ने कहा कि यहाँ पाकिस्तान ने वहाँ अच्छा खेला है लेकिन भारत को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो अच्छा कर सकते हैं, वहाँ के हालात लगभग उसी तरह हैं जिस तरह से उपमहाद्वीप में होते हैं। भारत की वनडे टीम अच्छी है, खिताब जीतने के अच्छे आसार हैं लेकिन उन्हें जीतने के लिए अच्छा खेलना भी होगा। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की गैर मौजूदगी से भले ही शनिवार को शुरू होने वाले छह देशों के एशिया कप टूर्नामेंट की चमक फीकी हुई हो, लेकिन सबसे रोमांचक पल भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिलने वाला है। शुक्रवार को टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दुबई में प्रैक्टिस की, इस दौरान चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी टीम भी अभ्यास सत्र में मौजूद थी। तभी पाकिस्तान के शानदार खिलाड़ी और सानिया मिर्जा के पति शोएब मलिक भारतीय कैंप की ओर बढ़े और सीधे धोनी के करीब जा पहुंचे। अचानक पहुंचे शोएब को देख धोनी भी खुश दिखे और हंसते हुए उनसे हाथ मिलाया। लक्ष्मण ने कहा है कि एशिया कप में शोएब मलिक पाकिस्तान के लिए ट्रंप का साबित होंगे। लक्ष्मण के मुताबिक वो अनुभवी है और स्पिन के अच्छे खिलाड़ी, क्योंकि मिड ओवर्स में भारत स्पिन के साथ आक्रमण करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच दो मैच तो तय है लेकिन अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो तीन मुकाबलों की संभावना है। टूर्नामेंट की शुरुआत शनिवार को बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच मैच से होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप लीग में एक मैच होगा जबकि दूसरा सुपर चार चरण में होगा, लेकिन आयोजक प्रसारक और समर्थक 28 सितंबर को होने वाले फाइनल में भी दोनों टीमों के पहुंचने की उम्मीद करेंगे। भारत का लक्ष्य अपने मध्यक्रम संयोजन का समाधान निकालने के अलावा धोनी के लिए बल्लेबाजी क्रम में सही स्थान ढूंढने का होगा। भारत के पास ये देखने का मौका होगा कि टीम कोहली की अनुपस्थिति में दबाव भरे हालात में कैसे खेलेगी। टीम अपना अभियान 18 सितंबर को हांगकांग के खिलाफ शुरू करेगी जिसके बाद उसे अगले दिन पाकिस्तान से खेलना है। रोहित शर्मा सफेद गेंद के शानदार खिलाड़ी रहे हैं पर अच्छी टीमों के खिलाफ उनकी नेतृत्व कौशल की परीक्षा रहेगी।
एशिया कप 2018 की शुरुआत आज से हो रही है और आपको बता दें कि 19 सितंबर को महामुकाबला खेला जाना है। जी हाँ, यानी कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे 19 सितंबर को, करीब एक साल बाद ये चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर मैच खेलेंगे। बड़ी बात यह है कि आखिरी बार जब भारत और पाकिस्तान का आमना सामना हुआ था तो पाकिस्तान ने भारत को हराया था और वो था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया को वो हार जरूर चुभती होगी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर हर कोई बात कर रहा है, ऐसे में टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर बड़ा बयान दिया है। रोहित ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलेंगी। रोहित ने कहा कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को बैकफुट पर ढकेलें और हमारी टीम इतनी तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो आसानी से मैच को जीत सकती है, लेकिन हमें पाकिस्तान को भी हल्के में नहीं लेना होगा। रोहित शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पिछले एक साल में बेहतर टीम उभर कर आई है, ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच एक टफ कंपटीशन होगा। एशिया कप 2018 की शुरुआत आज से श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच से हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़े मुकाबले का इंतजार 19 सितंबर में है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान 19 सितंबर को आमने सामने होंगे और इस महामुकाबले के लिए हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ऐसे में इस महामुकाबले से ठीक पहले पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज और टीम इंडिया के सबसे बड़े राइवल मोहम्मद आमिर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल मोहम्मद आमिर ने कहा कि विराट का नहीं रहना टीम इंडिया को काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, ऐसे में उनकी गेंदें टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बहुत परेशान करेंगी। मोहम्मद आमिर ने कहा कि वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आउट करने में कोई कमी कसर नहीं रखेंगे और जिस तरह से भी गेंदबाजी करके टीम इंडिया को हराया जा सकता है वो पूरी कोशिश करेंगे। यानी कि अब मोहम्मद आमिर ने अपनी दहाड़ तो निकाल दी है, अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम इंडिया के बल्लेबाज मोहम्मद आमिर के इस कथन का क्या जवाब देते हैं। एशिया कप 2018 की शुरुआत आज से होने वाली है और आपको बता दें कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि हर कोई एक ही मुकाबले का इंतजार कर रहा है और वो मुकाबला है 19 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान। जी हाँ, जब दो चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने होंगे तो हर कोई बस इस मुकाबले को देखता ही रह जाएगा। बड़ी बात यह है कि एशिया कप के शुरू होने से ठीक पहले भारत के कप्तान रोहित शर्मा और पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद एक साथ बैठे और कहीं ना कहीं रोहित ने बातों में कैसा बयान दे दिया जो पाकिस्तानी टीम को काफी खुश कर गया। दरअसल रोहित शर्मा ने कहा कि यूएई की कंडीशन में हमारे खिलाड़ी काफी कम खेले हैं और हम कम एक्सपीरियंस्ड हैं, ऐसे में पाकिस्तानी टीम अपना होम ग्राउंड बना के पहले यूएई में खेल चुकी है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोहित ये कहना चाहते थे कि पाकिस्तानी टीम को ज्यादा होम एडवांटेज मिल सकता है भारत के मुकाबले। अब रोहित का ये डर क्या पाकिस्तानी टीम को फायदा पहुंचाता है या उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस दिलाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात साफ है, रोहित ने ये तो कर दिया है कि भाई यूएई में उनको कंडीशंस पता नहीं है, अब वो अपनी टीम कॉम्बिनेशन किस हिसाब से उतारेंगे ये अब रोहित ही सोच सकते हैं। एशिया कप 2018 की शुरुआत आज से होने जा रही है जहां पर श्रीलंका और बांग्लादेश पहले मैच में आमने सामने होंगे। बता दें आपको कि भारत अपने अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से करेगा, लेकिन भारत का पहला मैच जो है हांगकांग के खिलाफ है, लेकिन दूसरा मैच जो सबसे बड़ा मैच है वो है पाकिस्तान के खिलाफ। भारत और पाकिस्तान के इस महामुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस महामुकाबले के लिए पूरी तरह से टीमें तैयार हैं और जोर शोर से प्रैक्टिस कर रही हैं। ऐसे में हाल ही में शुक्रवार को प्रैक्टिस सेशन के दौरान शोएब मलिक भारतीय खेमों के पास पहुंचे जिसे देखकर रोहित शर्मा खासे नाराज दिखाई दिए। जहां एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें शोएब मलिक भारतीय टीम के पास आकर सभी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और खासतौर पर धोनी से। रोहित शर्मा उनको देखते हैं और घूरते ही रह जाते हैं। रोहित शर्मा ने मलिक से बात तक नहीं की, ऐसे में उनका गुस्सा साफ देखा जा सकता था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत और पाकिस्तान के शानदार एनकाउंटर में कौन सी टीम बाजी मारती। तो देखा आपने, पांच बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां पर टीम इंडिया पाकिस्तान को किस तरह से हराती है और बाकी मैचेस का क्या ब्यौरा होने वाला है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी पांच बड़ी खबरों के साथ, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई खबर देखना चाहते हैं भारत पाकिस्तान से रिलेटेड या किसी अन्य स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वादा है आप तक वो खबर जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।